A question just came in from Ayan. How to overcome the thing that sets your soul on fire? Ayan, you don't need to overcome the thing that sets your soul on fire. Allow that creative fire to consume you. Mera ye manna hai, Ayan. Har shakhs duniya pe kisi maqsad ke liye aaya. Zaruri nahi humko ye maqsad jaldi mil jaye aur hum ise dhoond paaye. But bekar mein koi nahi hum yahan par aaye. Hum sab kisi na kisi maqsad ke liye aaye. Jab hum apna maqsad dhoond lenge, to phir usse dur dur nahi rakhna hai. Allow that purpose to consume you fully. Allow that creative fire to consume. Become one with that creative energy. So then is the time, once you discover what your purpose is, what you are passionate about, to phir dur dur nahi rehna hai, phir wo faasle nahi rakhne hai, us diwar ko girakar, become one with your purpose, become one with your calling. And mera experience zindagi ka jitna tajruba abhi tak yahi kehta hai, ki jab aap us chune gaye raaste par aage pay kadam badhate hain, to khud ba khud jo hai, wo jo manzil hai aapke nazdeek aate jaati hai. Kisi shayar ne khubi likha hai, jo safar ikhtiyar karte hain, जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं. जो सफर इख्तियार करते हैं यानी शुरुआत करते हैं, अंडरटेक करते हैं, वही मंजिलें पार करते हैं. एक बार कदम आगे बढ़ाने का हौसला तो रखिए दोस्तों, एक बार कदम आगे बढ़ाने का हौसला तो रखिए. ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार किया करते हैं, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार किया करते हैं. तो आप भी यही कोशिश रखें कि हम कदम आगे बढ़ाते जाएं, उसमें कोई चूक ना रहे हमारी. रास्ता कब बनना है, कितना बनना है, कहाँ जाएगा, ये सब आप यूनिवर्स पर छोड़े. एंड एंजॉय द जर्नी, हैव फन अलोंग द वे. सो टू ऑल माय कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, वी आर सेलिब्रेटिंग द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर. आई होप द फाइनेंशियल ईयर वाज गुड फॉर यू. जो 31 मार्च को खत्म हुआ, आई लाइक टू विश ऑल बिजनेस पर्सन्स, एंटरप्रेन्योर्स, सेल्स पीपल, एवरीवन आउट देयर, जो भी हैं, उनको मैं एक हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर विश करना चाहता हूँ. आने वाला फाइनेंशियल ईयर में आप खूब तरक्की करें, आपकी बॉटम लाइन, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में काफी एडिशंस हो. बट एक चीज मत भूलिएगा, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स भी डबल हो. शायद ये भी मेरी कामना है कि पैसा तो दोस्तों बनता जाएगा, नंबर्स ग्रो होते जाएंगे, कंपनीज ग्रो होती जाएंगी, बट एट द सेम टाइम जस्ट इंश्योर दैट यू आर नॉट लूजिंग योर हैप्पीनेस अलोंग द वे. अगर वो खो दिया हमने तो इस पूरी जर्नी का कोई फायदा नहीं. आप जो भी काम कर रहे हैं अच्छे से करें, उसे एंजॉय करें, बट एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट कि अगर खुशी नहीं पा हम अगर खुशी को नहीं हम अनुभव कर पाए अपने जीवन में, तो फिर ये सारी यात्रा शायद व्यर्थ है. क्योंकि जैसे गुलजार साहब ने खूबी लिखा है कि जिंदगी को अच्छे से जियो, क्योंकि ये स्थिति ना आए कि फिर बाद में हमें कहना पड़े ना जाने कहाँ खर्च हो गए वो लम्हे, ना जाने कहाँ खर्च हो गए वो लम्हे जो छुपा कर रखे थे हमने जीने. सो हर एक लम्हे से जो है हम पूरा उसका फायदा उठाएं और पूरी पॉजिटिव इमोशंस के साथ, जज्बात के साथ उसे जिए. थैंक यू ऑल वेरी मच. यू बीन अ वंडरफुल वंडरफुल ऑडियंस. आई लुक फॉरवर्ड टू अ कंटिन्यूड इंट्रैक्शन, मीनिंगफुल इंट्रैक्शन विद द पीपल ऑन माय पेज. हैव अ ग्रेट मंथ अहेड गाइस, एंड स्पीक टू यू इन अप्रैल. बाय बाय.